बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ लेना कमाल है। अजब निज़ाम है कि लोग गरीब के घर का पानी पीते कराहत महसूस करते हैं, लेकिन उस गरीब की दी हुई दुआ खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। दुआ वो वाहिद चीज़ है जो किसी की जानिब से भी दी जाए कोई मना नहीं करता। दुआ कलमात की अदायगी का नाम नहीं, दुआ ज़मीने कल्ब से उठने वाली एक खुशबू है जो तसल्ली और तशफी की पहली बारिश के बाद उठती है। परिंदों के लिए रखा गया पानी का बर्तन दुआओं का मरकज होता है। कुत्ते को डाली गई रोटी दुआ बनकर परवाज करती है। मुसीबत जदा को दी गई तसल्ली दुआ की शक्ल इख्तियार करती है। अपने लिए दुआ करना फितरत है, अपने लिए दुआ करवाना लालच है, लेकिन दुआ लेना किस्मत और करम है। अगर आपको दुआ देने वाले जिंदा हैं तो आप पर करम की चादर तनी हुई है। दुआ से तलब करना भी इबादत है, और जब कोई ये इबादत आपके लिए करे तो समझ जाएं कि आप फजले खुदाबंद के जेरे साया हैं। इंसान मांग सकता है, रो सकता है, इंतज़ार कर सकता है, हाल दिल सुना सकता है। अता करना मालिक की मर्ज़ी है। मारूफ जुमला है कि खुदा की मर्ज़ी दे ना दे, खुदा की मर्ज़ी तो फ़कत देना ही है, उसकी सरकार में ना की गुंजाइश नहीं। बस ये इंसान की अपनी कोताहियाँ और बेवफाइयाँ हैं कि वो अताओं का अहल नहीं रहता। उस्ताद खुद हो तो शागिर्द को नंबर ज़्यादा देता है कि वो उसका इख्तियार है। हाकिम खुश हो तो अवाम को रियायत देता है कि वो उसका इख्तियार है। हलवाई खुश हो तो शिरीनी तकसीम करता है कि ये उसके इख्तियार में है। अल्लाह तो कुल इख्तियार का मालिक है। वो खुश हो तो बड़ा कुछ देता है, इल्म, फहम, फिरासत, दानाई, फ़क्र, सेहत, रिश्ते, बेऐब ज़िंदगी, वसअत, कल्बो नज़रिया, सब उसकी अताओं के अशकाल हैं। लेकिन इब्न आदम उनसे खुश नहीं, गोया बशर खुदा की खुशी में खुश नहीं। अल्लाह की अताएँ ला महदूद हैं और बशर की तवक्कुआत फ़कत माल तक महदूद हैं। इंसान का तसव्वुर फ़ज़ल पैसा है, कबूल है ये बात के माल भी उसी की अता है, लेकिन सिर्फ माल ही उसकी अता है ये गलत फहमी है। दुनियावी तकाज़ों के पेश नज़र पैसे बहुत अहम हैं, लेकिन इतने भी अहम नहीं कि दुआ का महवर ही माल हो। दुआ तो ये होनी चाहिए कि मौला मेरे हाथों का शुमार उन हाथों में कर दे जिससे तू मखलूक में तकसीम करता है। इंसान रोटी के लिए मेहनत करता है और मेहनत के लिए रोटी खाता है। ये एक शराब है। हम आसूदगी के लिए कमाते हैं और कमाई के लिए आसूदगी के तालिब रहते हैं। वो लुकमा जो आप मेहनत से तोड़ते हैं, एहतराम से ज़बान पर रखते हैं और शुक्र से शिकम के नज़र करते हैं, वो लुकमा भी दुआ है। वो पुराना सूट जिसे आप आज भी संभाल कर धोते हैं और मेहनत से जेब तन करते हैं, वो सूट भी दुआ है। वो रास्ता जिससे आप इज्ज और इनकिसारी के साथ रोज़ गुजरते हैं, वो रास्ता भी दुआ है। दुआ वो हाथ भी है जो किसी गिरते को उठा लेते हैं, और दुआ वो जुमला भी है जो किसी की मुस्कुराहट का बाइस बनता है। दुआ करना कमाल नहीं, दुआ लेना कमाल है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।